अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चौक एंड रेस्टोर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम मोमिन खान मोमिन के बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। मोमिन खान मोमिन की गजल गारी की बारी के हवाले से जो है हम आज पढ़ेंगे। मोमिन खान मोमिन जो है इनको किस नाम से भी जो है पुकारा जाता था। इनको जो है शायर मुकर जो है इस नाम से भी जो है इनको पुकारा जाता था, मुकर शायर। किसको कहा जाता है था मोमिन खान मोमिन को जो है इस नाम से जो है पुकारा जाता था। इनका जो असली नाम है क्या था, अगर हम इनके असली नाम की बात करेंगे, इनका जो असली नाम था क्या था, तो मोमिन खान मोमिन जो है इनका असली नाम था इनका जो असली नाम था क्या था मोहम्मद मोमिन खान। मोहम्मद मोमिन खान जो है इनका असल नाम था। मोहम्मद मोमिन खान जो है किनका असल नाम था, मोमिन खान मोमिन का जो है असल नाम था। और अगर हम इनकी तखलुस की बात करेंगे, जो इनका तखलुस था क्या था, मोमिन था। जो इनका तखलुस था क्या था, इनका जो तखलुस था क्या था, मोमिन था। मोमिन खान मोमिन जो है इनका असली नाम था मोहम्मद मोमिन खान। और अगर हम इनकी तखलुस की बात करेंगे, तो इनका जो तखलुस था क्या था, मोमिन था। और इनकी जो पैदाइश हुई थी मोमिन खान मोमिन की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी, 1800 ईस्वी में, कहाँ पे, दिल्ली में। दिल्ली में जो है इनकी पैदाइश हुई थी 1800 ईस्वी में जो है मोमिन खान मोमिन की पैदाइश हुई थी दिल्ली में। और अगर हम वफात की बात करेंगे, मोमिन खान मोमिन जो है इनकी वफात कहाँ पे हुई थी, 1852 ईस्वी में दिल्ली में ही जो है इनकी वफात भी हुई थी। दिल्ली में ही जो है इनकी वफात भी हुई थी और एक जो है पैदा भी हुए थे दिल्ली में ही। 1800 में जो है ये पैदा हुए थे और 1852 में जो है ये दिल्ली में ही जो है इंतकाल कर गए थे। तो उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे, मोमिन की मौत जो है किस वजह से हुई थी, मोमिन खान मोमिन जो है इनकी मौत जो है किस वजह से हुई थी, मोमिन की मौत कोठे से गिरने की वजह से। कोठे से जो है गिरने की वजह से जो है इनकी क्या हुई थी, इनकी मौत हुई थी। मोमिन की मौत जो है कोठे से जो है गिरने की वजह से हुई थी। तो अगर हम बात करेंगे कोठे से जो है ये जू ही जो है गिर गए थे, तब जो है इनकी जो है 4-5 महीने बाद जो है उसके बाद इनकी मौत हुई थी। लेकिन जो है बहाना यही था इनकी मौत का, कोठे से गिरने की वजह से जो है इनकी मौत हुई थी। लेकिन कुछ महीने बाद जो है कोठे से गिरने के बाद कुछ महीने बाद जो है इनकी मौत हुई थी। तो अगर हम इनके वालिद को देखेंगे, जो इनके वालिद का नाम था क्या था, मोमिन खान मोमिन जो है जो इनके वालिद का नाम था, जो इनके वालिद का नाम था गुलाम नबी खान जो है मोमिन खान मोमिन के वालिद का नाम था गुलाम नबी खान। और इनका पेशा जो था क्या था, तबाबत था। कितब के जो है क्या थे, पेशे से जो है क्या थे, तिबाबत करते थे। वालिद का नाम इनका गुलाम नबी खान था। और अगर हम बात करेंगे मोमिन जो थे, जो इनके तिब का उस्ताद था, कौन था, इनके खुद के जो है वालिद थे, जो कि हकीम गुलाम नबी जो है जो मोमिन के वालिद थे, इनके जो थे मोमिन के तिब के उस्ताद भी जो है इनके वालिद ही खुद थे। तो उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे, इसके बाद जो है हकीम गुलाम नबी जो मोमिन के क्या थे, वालिद थे, हकीम गुलाम नबी, हकीम गुलाम नबी जो थे, इन्होंने जो है मोमिन का क्या नाम रखा था, मोमिन का नाम, मोमिन खान मोमिन का नाम
अभी बुला रखा था। हकीम गुलाम नबी ने जो है मुमिन का नाम क्या रखा था? हबीबुल्ला। इस बात को जो है आप जहन में रख लीजिए। हकीम गुलाम नबी जो है इन्होंने मुमिन का नाम हबीबुल्ला रखा था, और मुमिन के वालिद जो है इनके मुरीद कौन थे? हकीम गुलाम नबी जो थे, जो मोमिन के क्या थे, वालिद थे, जो इनके मुरीद थे, शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज जो है किनके मुरीद थे? मोमिन खान, मोमिन के वालिद के, हकीम गुलाम नबी के मुरीद थे। शाह अब्दुल अजीज ने जो है क्या रखा था? मोमिन खान मोमिन। किसने रखा था मोमिन खान मोमिन जो है, ये नाम जो है मोमिन को किसने रखा था? तो गुलाम नबी जो इनके जो है हकीम गुलाम नबी जो इनके वालिद थे, वालिद के मुरीद जो थे, जिनका नाम था शाह अब्दुल अजीज, इन्होंने जो है मोमिन को किस नाम से जो है, कौन सा नाम इन्होंने रखा था? तो मोमिन खान मोमिन जो है इन्होंने ही जो है मोमिन को रखा था। वालिद के मुरीद जो थे शाह अब्दुल अजीज ने ही जो है मोमिन को मोमिन खान मोमिन रखा था। तो उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे मोमिन की जो है शायरी के उस्ताद कौन थे? मोमिन खान मोमिन की शायरी के उस्ताद कौन थे? शाह नसीर थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। मोमिन खान मोमिन जो है इनकी शायरी के उस्ताद कौन थे? तो शाह नसीर थे। अगर हम तिब की बात करेंगे, जो तबाबत जो इनका पेशा था, तो जो है मोमिन की तिबाबत का जो उस्ताद थे कौन थे? अपने वालिद थे हकीम गुलाम नबी। और शायरी की अगर हम बात करेंगे तो शायरी के उस्ताद कौन थे? शाह नसीर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, आप जो है इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मोमिन के अरबी के उस्ताद कौन थे? शायरी के उस्ताद थे शाह नसीर, और तबाबत के उस्ताद थे अपने ही वालिद हकीम गुलाम नबी। और उसके बाद जो है मोमिन के अरबी के उस्ताद कौन थे? मोमिन के अरबी के उस्ताद जो है कौन थे? शाह अब्दुल कादिर। शाह अब्दुल कादिर जो है अरबी के उस्ताद रहे हैं मोमिन खान मोमिन के। और मोमिन जो थे क्या थे? मोमिन खान मोमिन जो थे क्या थे? हाफिज़े कुरान। अरबी के उस्ताद जो थे मोमिन खान मोमिन के, और शाह अब्दुल कादिर थे, और मोमिन जो थे क्या थे? हाफिज़े कुरान भी थे। और जो है अगर हम बात करेंगे मोमिन खान मोमिन क्या थे? वहाबी थे। तो इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे मोमिन को जो है क्या खेलने का शौक था, और किसमें जो है मोमिन खान मोमिन की महारत हासिल थी? मोमिन को शतरंज खेलना पसंद था। मोमिन को क्या खेलना पसंद था? मोमिन को जो है शतरंज खेलना पसंद था, और इसमें महारत भी हासिल थी। मोमिन खान मोमिन को जो है किसमें महारत हासिल थी? तो शतरंज खेलने में जो है मोमिन खान मोमिन की महारत हासिल थी, और ये जो है शतरंज खेलना पसंद करते थे।
मोमिन जो है रियाजी, नजूमी, रियाजी, नजूमी और मौसिकी, मौसिकी में भी जो है इनको क्या थी, महारत हासिल थी, महारत हासिल थी। मोमिन खान, मोमिन जो है इनको जो है शतरंज खेलना बहुत पसंद था और इनको जो है शतरंज खेलने में जो है महारत भी हासिल थी। तो उसके बाद जो अगर हम बात करेंगे मोमिन खान, मोमिन जो है इनको रियाजी, नजूमी और मौसिकी में भी जो है महारत हासिल थी। उसके बाद जो है मोमिन खान, मोमिन जो है ये किसके मौजिद थे, मोमिन खान, मोमिन जो है इनको मुकर शायर भी जो है कहा जाता था। ये जो है मुकर शायराना का मौजिद जो है इनको कहा जाता है, इनको जो है क्या कहा जाता था, मोमिन को मुकर शायराना का मौजिद भी जो है कहा जाता है। मुकर शायराना का मौजिद भी जो है इनको क्या कहा, मोमिन को कहा जाता है। मोमिन को जो है क्या क्या कहा जाता है, मुकर शायराना का मौजिद भी जो है मोमिन को कहा जाता है। तो उसके बाद जो है मामला बंदी जो है, मामला बंदी मोमिन के कलाम का, मोमिन के कलाम का क्या था, खास वसफ था, खास वसफ था। मोमिन खान, मोमिन जो है मामला बंदी मोमिन के कलाम का खास क्या था, वसफ है। मोमिन की गजलों का जो है मौजू क्या था, गजलों का मौजू मोमिन की गजलों का मौजू हुस्न व इश्क, हुस्न व इश्क तक जो है क्या था, महदूद था। गजलों का मौजू क्या था, मोमिन खान, मोमिन के जो गजलों का मौजू था क्या था, हुस्न व इश्क तक ही जो है महदूद था। इसके बाद जो है मोमिन की माशोका का क्या नाम था, मोमिन की माशों का नाम क्या था, उमुल फातिमा। इनका जो क्या नाम था, उमुल फातिमा। मोमिन खान, मोमिन की माशों का नाम जो है क्या था, उमुल फातिमा। और तखल्लुस क्या था इनका, उमुल फातिमा का क्या तखल्लुस था, उमुल फातिमा का जो तखल्लुस था हिजाब था। मोमिन खान, मोमिन जो है इनकी माशोका का नाम था उमुल फातिमा, उमुल फातिमा जो है मोमिन खान, मोमिन की माशोका का नाम था। और तखल्लुस की अगर हम बात करेंगे इनका क्या था, हिजाब था। तो इसके बाद जो है मोमिन ने कितनी शादियां की थी, तो मोमिन ने जो है दो शादियां की थी, मोमिन ने जो है, मोमिन ने दो शादियां की थी। मोमिन ने जो है कितनी शादियां की थी, तो अगर हम बात करेंगे मोमिन की मसनवी थी, मोमिन की मसनवी कौले गमी, मोमिन की मसनवी जो थी कौले गमी में जो है इनकी माशोका का क्या है, जिक्र है, माशोका का किरदार है, माशोका का किरदार है जिसका तखल्लुस था साहब जी, जिसका तखल्लुस क्या था, साहब जी। जिसका तखल्लुस था साहब जी।
मसनवी कौल गमी जो है इसमें जो है मोमिन की माशों का क्या था किरदार था, जिसका तखल जो है क्या था, साहब जी जो है इसमें जो है इनका तखल्लुस था। मोमिन ने दो शादियां की थी और उसके बाद जो है अगर मोमिन की बात करेंगे, मोमिन को अलिम रमल और तारीख गोई में जो है क्या थी, महारत हासिल थी। मोमिन को जो है इल्म रमल और तारी गोई में भी जो है क्या थी, महारत हासिल थी। उसके बाद जो है मोमिन का जो दीवान था, मोमिन के दीवान को जो है उनके शागिर्द कौन थे? नवाब मुस्तफा खान। मोमिन के दीवान को उनके शागिर्द नवाब मुस्तफा खान शेख था, जो कि जो है मोमिन के शागिर्द थे, इन्होंने ही जो है क्या किया था, मुरतब किया था। मोमिन के दीवान को उनके शागिर्द नवाब मुस्तफा खान शेखता ने जो है मुरतब किया। उसके बाद मोमिन ने उर्दू में कुल कितने कसीदे लिखे थे, तो 9 कसीदे लिखे हैं। मोमिन ने जो है उर्दू में कुल 9 कसीदे लिखे हैं। मोमिन ने एक शख्सी मरसिया लिखा है, किस पर अपनी माशों का के मौत पर। मोमिन जो है इन्होंने एक शख्सी मरसिया भी लिखा है, वो किसकी मौत पर लिखा था, तो अपनी माशूक की मौत पर जो है इन्होंने एक मरसिया लिखा है। तो उसके बाद अगर हम मोमिन की मसनवी की बात करेंगे, जो उनकी मसनविया थी, मोमिन की कितनी मसनविया थी, मोमिन ने जो है 12 मसनविया लिखी है, और वो कौन कौन सी है इन पे हम बात करेंगे। इन्होंने 12 मसनविया लिखी है, तो वो कौन कौन सी है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। इनकी जो 12 मसनविया है, मोमिन खान मोमिन की जो है 12 मसनविया है कौन कौन सी है, जो सबसे पहली मसनवी है इनकी, शिकायत सितम जो है इनकी पहली मसनवी का नाम है। उसके बाद असरारिश्क, असरारे इश्क, तो उसके बाद सेगम, उसके बाद हसीन, मगमूम, उसके बाद मसनवी जहाद,
उसके बाद जो है मसनवी जहाद, इसमें जो इन्हें खुद इश्क का जिक्र किया है, मसनवी जहाद में जो है मोमिन खान मोमिन ने जो है खुद इश्क का जिक्र किया है। तो इसके बाद जो है अगर हम और मसनू की बात करेंगे, आहुजारी मजलूम, मजलूम की आहुजारी। उसके बाद जो है कौले गमी, जिसमें हमने अभी बात की, इसमें किसका किरदार था, मोमिन खान मोमिन की माशूका का जो है इसमें किरदार था, साहब जी। उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे मोमिन की पहली मसनवी का नाम क्या था, शिकायत सितम जो है मोमिन की पहली मसनवी का नाम है, जो उन्होंने जो है कितनी उम्र में जो है, तब इनकी उम्र कितनी थी, 16 साल के जो थे तब मोमिन थे 16 साल के जब इन्होंने जो है ये मसनवी लिखी है शिकायत सितम। तो इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे मोमिन ने जो है कसीदे, अगर हमने बात की है इसके से पहले, मोमिन ने जो है कुल कितने कसीदे लिखे हैं, तो मोमिन ने जो है कुल उर्दू में कितने कसीदे लिखे हैं, 9 कसीदे लिखे हैं। तो अगर हम पे बात करेंगे इसको जो है मोमिन खान मोमिन के कसीदों का मजमू मुरतब करके जो है अगर हम बात करेंगे, जिया बदायूनी मोमिन के कसीदे का मजमुआ मुरतब करके जिया बदायूनी बदायूनी जिया बदायूनी ने 1935, इन्होंने जो है जिया बदायूनी ने जो है 1935 में शांति प्रेस, शांति प्रेस, शांति प्रेस इलाहाबाद, शांति प्रेस इलाहाबाद से शाया किया। कहाँ से शाया किया, मोमिन खान मोमिन के जो है उर्दू में कितने कसीदे हैं, टोटल जो है इनके 9 कसीदे हैं। मोमिन की कसीदों का जो मजमू था किसने मुरतब किया, जिया बदायूनी जो है मुरतब किया, और इसको जो है इन्होंने 1935 ईस्वी में जो है शांति प्रेस इलाहाबाद से जो है शाया करवाया।